एसएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा या फिर बहुत बच्चों का एक ही कमेंट आ रहा था, या फिर मैं व्हाट्सएप पे चेक करूं, या फिर इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल रखा है, वहां पे जाओ। अक्सर बच्चों का एक ही कहना है, जो सर अब हमारा रिजल्ट कब आएगा, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे उनका भी और जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे उनका भी यही कहना था, जो सर अब आप एक रिजल्ट से रिलेटेड वीडियोज बनाइए। तो ये कंप्लीटली जो वीडियोज है मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ रिजल्ट से रिलेटेड बनाया है। और एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, आप सभी बच्चे से कम्प्लीटली देखो और देखने के बाद एक दिमाग लगा के एक तरीके से जो एचएसबीटी जो अभी काम कर रहा है, या फिर आपने देखा होगा स्टूडेंट रजिस्टर जो कम्प्लीटली बन रहा है, जो पोर्टल लॉन्च हो रहा है, उन पर अभी ज़्यादा फोकस करने दीजिए एचएसबीटी को, क्योंकि वो आप लोगों का रिजल्ट क्या है फॉर शॉर्ट टाइम, आप आज नहीं 5 दिन बाद आपका आना ही है। लेकिन वो जो चीज़ हो रहा है आप लोगों को बता देता हूँ, आपने पिछली भी काफ़ी एक दो वीडियोज़ देखी होगी, मैं बार बार यही बात कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट के लिए जो भी एचएसबीटी कर रहा है बिल्कुल एक तरीके से, और मैं आदरणीय जो भी हमारे सेक्रेटरी सर है मैं उनका बहुत अब सपोर्ट, और पहले भी देखो क्या है स्टूडेंट के लिए, अगर सिर्फ एक क्या है जो बच्चों के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन पेपर का जो मांग था, बस उस मांग को ठुकराए, बाद बाकी आप लोग जितना भी देखो एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर आप लोगों के हमेशा साथ रहे। और इसलिए देखो क्या है, जब हमने 350 रुपये से रिलेटेड जब आज से पहले मैंने डाला था, उससे रिलेटेड भी सर ने एक्शन लिया, बहुत कुछ ऐसा है जो एक्शन ले रहे, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे। तो मैं आप लोगों के लिए जो वीडियोज लाया हूँ, सबसे पहले तो आप लोग समझो क्या है, कैसे आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, पेपर का डेट क्या है, इस सभी बातों से रिलेटेड एक कंप्लीटली वीडियोज। और नेक्स्ट टाइम आप लोग रिजल्ट से लेके कोई भी स्टूडेंट लड़ाई नहीं करेगा, जब भी रिजल्ट आएगा एक दिन पहले या उस दिन मैं आप लोगों को आके कह दूंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अप्रॉक्स टाइम प्रीवियस सर्वे के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, उस अकॉर्डिंग आप लोग समझो। और जो फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे, मैं आप सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी तैयारी पे लग जाओ, रिजल्ट के पीछे इतना मत जाओ। जो सिक्स सेमेस्टर के जो अभी आप लोगों के सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस करो, और आप लोगों का जैसा ही रिजल्ट आएगा, और मैं आज एक अप्रॉक्स डेट बता देता हूं, उस डेट के अंदर पक्का रिजल्ट आने के 99.9% चांसेस है, उसके आगे एक दो दिन मतलब ऐसे मानो प्लस माइनस 10% का आप लेके चलना, जो हो सकता है 10% आगे 10% पीछे। अब सबसे पहले समझो, आप सभी बच्चे अभी तक का जाके सर्वे करो, मैं एक बात कहता हूं, अभी तक आपने देखा होगा जो दिसंबर का जो पेपर होता था, दिसंबर मंथ में जो पेपर आप लोगों के कंप्लीट होते थे 25 दिसंबर को मान लो एक अप्रोक्स, तो इसका रिजल्ट हम लोगों के पास फेब में आता था, फरवरी ऐसे मान लो 20 से 25 के बीच में। तो आप एक बात को यहां समझो, जो मिनिमम जो आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1.5, मतलब मान लो हाफ मंथ, 1.5 मंथ या अप्रोक्स लेके आप 2 मंथ का गैप लेके चलो। अब क्या है, अभी का एक ऐसा टाइम है, आप लोगों को पता होगा कोरोना का टाइम है, कोरोना के टाइम में एचएसबीटी ने पेपर ऑफलाइन लिया, पेपर ऑफलाइन के लेने के साथ भी जो पेपर अभी फिफ्थ सेम के स्टूडेंट ने, समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिफ्थ सेम के जो स्टूडेंट है आप लोगों ने देखा होगा आपका जो पेपर है फरवरी में स्टार्ट हुआ, लास्ट फेब में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक चला है, मेरी बात को समझिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आपका पेपर चला है। तो अब आप लोग एक बात बताओ, पेपर है, कॉपी चेक होगा, कॉपी चेक होने में बच्चे 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। अगर आप लोगों कोई कह रहा है जो पेपर रिजल्ट आज आ जाएगा, रिजल्ट कल आ जाएगा, रिजल्ट परसों आ जाएगा, तो मेरे नॉलेज में भी ये बात नहीं है जो रिजल्ट इतना जल्दी आएगा। रिजल्ट आने के लिए बच्चे कॉपी चेक होता है, कॉपी चेक होने में टाइम लगता है 1 से 1.5 महीने, मिनिमम 1.5 मंथ का टाइम तो आप लेके चलो। इस अकॉर्डिंग अगर आप देखो, जो फरवरी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में पेपर हुआ, तो मार्च में रिजल्ट आने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आप लोग एक बात बिठा लो, जो बच्चे अभी फिफ्थ सेमेस्टर में थे उन बच्चों के जो रिजल्ट है 99% ऐसे समझो आप लोग 15 से 20 अप्रैल से पहले आने के कोई चांसेस नहीं है। 15 से 20 अप्रैल मिनिमम आप ऐसे मान लो, 15 अप्रैल का डेट तो लिख लो और 20 अप्रैल के बीच में आप लोगों के रिजल्ट आने के चांस है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस अगर आप सर्वे करो तो उस सर्वे के अकॉर्डिंग आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ, 15 से 20 अप्रैल से पहले आने के कोई चांसेस नहीं है। अगर एचएसबीटी इससे पहले रिजल्ट डालता है तो ये आप लोगों के लिए प्रॉफिट है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मानो तो 15 से 20 अप्रैल से पहले आप लोगों के रिजल्ट आने वाले नहीं है। ये तो था आपका फिफ्थ सेमेस्टर का। अब देखो, इस बार आपने देखा होगा कोरोना की वजह से जो फिफ्थ सेम के पेपर जो पहले हुए आपने देखा, और जो थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे थे उनका पेपर अभी जस्ट हुआ है कुछ दिन पहले, जो अभी कंप्लीट हुआ है, तो उनके पेपर में भी आप ऐसे मान लो, जो बच्चे अभी फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे या जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में इस बार पेपर दिया है,
तो आप लोग भी अपना एक रेशियो फिक्स कर लो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग सर्वे करो, उस सर्वे के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास डेट आएगा। मैं कहना चाहता हूँ फर्स्ट वीक ऑफ मई, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट रीपेयर के साथ जो भी बच्चे का पेपर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हुआ है, आप सभी के रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल से पहले आने वाले नहीं है। और रही बात जो थर्ड सेमेस्टर के जिन बच्चों ने अभी पेपर दिया है, आप सभी के पेपर फर्स्ट वीक ऑफ मई में आएंगे, इस बात का आप लोग ध्यान में रख के अपनी तैयारी में लग जाओ। रही बात जो अब सर नेक्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब होंगे, तो आपने देखा होगा जो अकॉर्डिंग टू जो HSBT के साइट पे जो आज से 3-4 दिन पहले जो HSBT ने जो एक सेशन दिया है 2020-21 वाला, उस सेशन को जाके चेक करो तो जुलाई का टाइम दिया गया है नेक्स्ट सेमेस्टर के फाइनल पेपर होने के। तो मेरा कहना यह है जो फिफ्थ सेमेस्टर में जो बच्चे, इनका रिजल्ट इसलिए जल्दी देना चाहिए फिफ्थ सेम का रिजल्ट, क्योंकि ये बच्चे सिक्स सेमेस्टर में है। अगर इन बच्चों का रिजल्ट अगर ज़्यादा टाइम आता है, तो मान लीजिए सब बच्चे धुरंधर तो है नहीं, कुछ बच्चों के 100% कंपार्टमेंट आएंगे, तो इनका टाइम खराब हो जाएगा। अगर इनका रिजल्ट रुक गया ज़्यादा टाइम तक, तो मैं कहना ये चाहता हूँ HSBT का आदरणीय सर, अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा फोकस अभी आप फिफ्थ सेम के रिजल्ट पे कीजिए। जितना जल्दी होता है आप फिफ्थ सेम के बच्चों को ऑल क्लियर करके, या जिस अकॉर्डिंग उनके रिजल्ट बनते हैं आप उन्हें सिक्स सेमेस्टर में, क्यों? क्योंकि उनको रिव्यू भरना है और उनके पास ये लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद उनका डिप्लोमा एक्सटेंड हो जाएगा। रही बात थर्ड सेमेस्टर की, बच्चों में ये नहीं कहता थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी मत दो, रिजल्ट दो, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के पास अभी टाइम है। अगर उनके रिजल्ट में एक 10 दिन 5 दिन का टाइम भी लगता है, अगर उनकी एक में कंपार्टमेंट भी आती है, बुरा मत मानना, मैं स्टूडेंट कहना चाहता हूँ कंपार्टमेंट सबकी आती है, जो पढ़ने वाला उनकी बात नहीं, कंपार्टमेंट मेरी भी आया करती थी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ जो थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे हैं, अगर उनकी कंपार्टमेंट लेट सपोज आ भी जाती है, उनके पास फोर्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सिक्स सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर है उसे क्लियर करने का। लेकिन जो बच्चे अभी फिफ्थ सेमेस्टर में और जो इस बार सिक्स में जाएंगे, उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा है वो है सिक्स सेमेस्टर। अगर उनके पास ऑप्शन, ऐसा नहीं है उनके पास तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन उस ऑप्शन का अगर वो यूटिलाइज करते हैं तो उनका पूरा चिट्ठा पर्चा उनके डिप्लोमा पे लिखा रहेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ डिप्लोमा एक्सटेंड ना करें और HSBT सबसे पहले फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों का रिजल्ट दे। फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे, अगर उनका 5-10 दिन में लेट भी होता है, तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे सेमेस्टर है, बहुत सारा टाइम है। लेकिन फिफ्थ सेम के बच्चों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका पेपर जुलाई में है और उन्हें लीड की तैयारी भी करनी है। तो जो भी बच्चे आज चैनल पर जुड़े हो, सबसे पहले चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगा आप लोगों से रिलेटेड जो भी मैं बनाऊंगा, अब मुझे एक दो वीडियोज लीड से रिलेटेड बनाना है, जिसमें मुझे ये बताना है जो जो प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के जो बच्चे हैं वो बीटेक में एडमिशन कैसे ले अच्छे गवर्नमेंट किसी कॉलेज में। तो इसके से रिलेटेड जो भी सिलेबस होगा, जो भी आप लोगों का टॉपिक होगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ओके बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियोज, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी होगा अच्छा होगा, तैयारी में लगो और अच्छे से डिप्लोमा करके जॉब लो। बाय ऑल ऑफ यू।